मांझी प्रखंड के राजकीय मध्य विद्यालय रघुनाथ गिरी की मठिया की छात्र छात्राएं अब सीसीटीवी कैमरे की जद में पढ़ाई करेंगे तथा तीसरी आंख की जद में छात्र छात्राओं एवं शिक्षकों पर निगरानी की जाएगी। उक्त विद्यालय के प्रधानाध्यापक रामजीत राम द्वारा अभिनव प्रयोग करते हुए विद्यालय परिसर एवं कक्षा तथा कार्यालय में सीसीटीवी कैमरा लगवा दिया गया। अब विद्यालय के प्रत्येक गतिविधियों पर तीसरी आंख की नजर रहेगी तथा स्क्रीन पर उनकी मॉनिटरिंग भी होगी। बताते चलें कि उक्त विद्यालय में शिक्षकों की बायोमेट्रिक हाजिरी की भी शुरुआत कर दी गई। विद्यालय प्रबंधन द्वारा सीसीटीवी कैमरे विद्यालय के मुख्य द्वार, प्रार्थना सभा स्थल तथा बरामदे में लगवाए गए। यहाँ स्क्रीन की मदद से छात्र छात्राओं की गतिविधियों पर प्रधानाध्यापक द्वारा हमेशा नजर रखी जाएगी तथा जरूरी होने पर दिशा निर्देश भी दिए जा सकेंगे। इतना ही नहीं, जरूरत पड़ने पर इनकी रिकॉर्डिंग भी देखी जा सकेगी। बच्चे पढ़ रहे हैं अथवा नहीं, शिक्षक सही समय पर बच्चों को पढ़ाने हेतु कक्षा में पहुंच रहे हैं अथवा नहीं, ये सब कुछ सीसीटीवी में कैद रहेगा। इस नए प्रयोग से विद्यालय की सुरक्षा के साथ साथ बाहरी लोगों के अनावश्यक दखल अंदाजी पर भी रोक लगेगी। प्रधानाध्यापक ने बताया कि विद्यालय को विशेष रंग रूप के साथ ही साथ डेकोरेटेड भी किया गया। वहीं विद्यालय परिसर में कई प्रकार के पेड़ पौधे लगाकर उसे सुंदर एवं आकर्षक बनाया गया। अन्य सरकारी विद्यालयों से अलग हटकर उक्त विद्यालय में लाउड स्पीकर के माध्यम से छात्र छात्राओं द्वारा सुबह से सुमधुर स्वर में प्रार्थना और शाम को राष्ट्रगान प्रसारित किया जाता है। उन्होंने बताया कि विद्यालयों में आए दिन होने वाली चोरी की घटनाओं व सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की घटनाएं सामने आ रही थी। इनके बचाव के लिए स्कूल में सीसीटीवी कैमरे लगाकर बाहरी तत्वों के प्रवेश पर पूर्णतः लगाम लगा दिया गया। ये विद्यालय प्रखंड का पहला सरकारी विद्यालय बन गया जहां छात्र छात्राओं को निजी विद्यालयों की तर्ज पर शिक्षकों द्वारा पठन पाठन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। सीसीटीवी कैमरे लगवाकर विद्यालय को हाईटेक बनाने का प्रयास किया गया। इससे शिक्षकों के शिक्षण कार्य में भी पारदर्शिता आएगी। प्रधानाध्यापक ने बताया कि सीमित संसाधनों के बावजूद उक्त विद्यालय को निजी विद्यालयों की तरह सुंदर व आकर्षक बनाने का प्रयास किया गया। माझी से वीरेश सिंह की रिपोर्ट। जिसमें हमारा विद्यालय जिला स्तर पर हम लोग का चयन हुआ था, इसमें स्वच्छता विद्यालय बिहेवियर चेंज ऑन एवं कैपेसिटी बिल्डिंग के विषय पर हमको प्रथम पुरस्कार मिला था। सर, जिले में कितने लोगों को मिला, एक्टिव हुआ था, चयनित हुआ था? ये लगभग जिले में 10 विद्यालयों को मिला था, जिसमें मेरा विद्यालय भी था। और इसके पहले भी मुझे राज्य स्तरीय अवार्ड मिल चुका है, तो उसमें हम लोग किनके द्वारा मिला था? राज्य स्तरीय बिहार सरकार के मुख्य सचिव और चुनाव आयोग के ज्वाइंट आयोजन से मिला था मुझे सचिवालय में। थैंक यू। बच्चे काफी एक्टिव हो रहे हैं, बच्चे अब यहाँ आगे बढ़ रहे हैं। बाल संसद भी है? बाल संसद का भी यहाँ संचालन होता है। बाल संसदों में हमने बैच बना दिया है। बाल संसद हमारे बच्चों को खाना खिलाने में, बच्चों को इधर उधर अनुशासन को बनाए रखने में सहयोग करते हैं। उनके नोडल शिक्षक हैं, नोडल शिक्षक के द्वारा बाल संसद का गाइडलाइन दिया जाता है। अब बाल संसद यहाँ पर बच्चे सहयोग करते हैं। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।